ठीक है। हाँ बाबू, तो हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, हम लोग फिर से हमको बताना पड़ेगा ना बाबू, क्या मेरा कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस आपको हम बता रहे हैं ना, तो कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस क्या कहता है बाबू, तो ये जो वर्टिकल दो लाइन है ठीक है ना, ये जो वर्टिकल लाइन है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ, कहीं इस तरह से लिखा हुआ बाबू, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, यहाँ जो दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लो यहाँ बाई दिया, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोड बाई पढ़ेंगे। यहाँ एक्स लिखा होता है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, मोड एक्स पढ़ेंगे ठीक है ना। यहाँ जैसे फाइव लिखा होता है, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, मोड फाइव पढ़ेंगे। ठीक ठीक है। तो ये मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है बाबू, मेरे मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है वो मेरा क्या होता है, एक्स होता है। कब होता है, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू यहाँ वाला जो अंदर कांस्टेंट रहेगा, जो वेरिएबल रहेगा, वही वेरिएबल यहाँ होगा, लेकिन तब होगा बाबू जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। मतलब क्या, मतलब ये बाबू नहीं समझ में आ रहा ना। देखो आपको हमने क्या बताया कि हमारे पास तीन सिंबल है ना, इनइक्वलिटी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वलिटी कहते हैं ना। ठीक है, तो एक ग्रेटर देन सिंबल होता है बाबू, एक लेस देन सिंबल होता है, और एक इक्वल टू सिंबल होता है ना। ठीक है, जैसे मान लो हमको लिखना फाइव है, फाइव है, फोर है, तो बीच वन इज ग्रेटर देन, फाइव इज ग्रेटर देन बाबू, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द प्योर फाइव ग्रेटर देन फोर। ठीक है ना, अगर मान लो फोर लेस देन है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, फाइव फाइव लेस देन फोर है ना। ठीक है, ठीक है बाबू, तो ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, ये तो गलत हो गया ना बाबू, इसको अगर लिखना बाबू तो ऐसे पढ़िए, ठीक है ना, तो ये फोर लेस देन फाइव हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। अब इसी में बाबू कभी कभी आपको जिससे जैसे अपना लेवल हाई करोगे ना, ये तो ये सेकंड क्लास का चीज है, ठीक है ना, बहुत जगह आपको इस तरह से सिंबल मिलेगा, इस तरह से सिंबल मिलेगा। तो इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिस वन इज द बाबू, दिस सिंबल इज व्हाट, क्या ग्रेटर देन, और दिस सिंबल इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर कहीं ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया, इसका मतलब क्या, ये सिंबल क्या बाबू, लेस देन इक्वल टू के सिंबल है ना। तो वही हम यहाँ कह रहे हैं बाबू, यहाँ कह रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा टेंशन नहीं लेना, हम एग्जाम्पल इससे रिलेटेड करवाएंगे, समझ में आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा ना। तो मोड एक्स की जो वैल्यू बाबू, मोड एक्स की वैल्यू मेरा क्या होगा, एक्स होगा। ये तब होगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का था। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स क्या, क्या ऑलवेज पॉजिटिव बाबू। जैसे मान लो नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे यहाँ पे जैसे नंबर लाइन हम लोग लेते हैं, है ना, नंबर लाइन लेते हैं, जैसे मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, तो कहीं वैल्यू जीरो होगा ना, नंबर लाइन कुछ नहीं बाबू, ये सब बता चुके हैं। यहाँ ओरिजिन होगा, इधर पढ़ेंगे तो वन, इधर बढ़ेंगे तो टू, इधर बढ़ेंगे तो थ्री, और इधर बढ़ेंगे x एक्सिस के इधर बढ़ेंगे तो माइनस वन, ये माइनस टू माइनस थ्री है ना। ठीक है, तो ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब क्या, x से बड़ा। तो x से बड़ा कौन सा वैल्यू, x से बड़ा हमेशा बाबू, x से बड़ा तो x मतलब क्या, जीरो से बड़ा, जीरो x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या, जीरो से बड़ा। तो जीरो से बड़ा क्या, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, मतलब जहां तक जा सकते बाबू, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या करा बाबू, कि एक्स की जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब क्या, जीरो से बड़ा मतलब क्या, वन टू थ्री फोर, मतलब क्या ऑलवेज पॉजिटिव बाबू, पॉजिटिव वैल्यू होगा ना। जीरो से बड़ा हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे ना। जीरो से बड़ा वन टू थ्री क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो आता है बाबू, दूसरा जो आता है, इसमें दूसरा जो आता है मोड एक्स की वैल्यू क्या होता है, माइनस एक्स होता है। नहीं समझ में आ रहा है टेंशन ना लेना, एग्जाम्पल हम बताएंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। मोड एक्स की वैल्यू बाबू क्या लेंगे, माइनस एक्स लेंगे। इफ 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 बाबू, इफ बाबू एक्स की वैल्यू क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगा, वो लेस देन जीरो होगा। नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग की भावना समझ रहे हैं ना, चेहरा देख के पता चल जाता है ना, ठीक है ना। इतना दिन से सात आठ साल से पढ़ा रहे हैं तो फीलिंग्स आता है बाबू, चेहरा ऐसे नहीं समझ में आएगा तो चेहरा ऐसे उदास रहेगा, ऐसे सर कुछ कुछ बोल रहे हैं नहीं पता चल रहा है ना, इस तरह से उदास रहता। ठीक है, तो जब x की वैल्यू कहीं भी बाबू, x की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो x की वैल्यू लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू मतलब क्या बाबू, मतलब ये जैसे आप नंबर लाइन बनाते हो ना, नंबर लाइन बनाते हो ना, हम लोग क्या लेते हैं, नंबर लाइन लेते हैं ना। ठीक है, इस तरह से बाबू क्या होता है, नंबर लाइन होता है। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है ना, और इधर मेरा क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस होता है, और ऊपर मेरा हम लोग बताए ना एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऊपर बाई एक्सिस होता है और नीचे माइनस बाई एक्सिस होता है, कि नहीं, है ना। ये सब बताया, पीछे वाला जितना भी पढ़ा है बाबू उसको कम से कम मेमोराइज रखने की कोशिश कीजिए, तब आगे क्लास करने में मजा आएगा। आगे अब उनको कुछ नहीं बताना, पीछे वाला कंसेप्ट ही बताना रहता है ना। तो जहाँ कट करता बाबू वहाँ क्या होता है, ओरिजिन होता है, जीरो जीरो होता है। अब इधर मेरा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स होता है, ठीक है ना, ग्राफ में तो ये सब डिस्कस किया हुआ। तो इधर कितना होगा, मान लो वन आएगा बाबू, यहाँ पे इतना दूरी को टू होगा, ये मेरा कितना होगा, थ्री होगा, ये मेरा फोर होगा, ये मेरा फाइव होगा, ये मेरा सिक्स होगा, है ना। इधर बाबू क्या होता है, निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स होता है ना, तो इधर माइनस वन हो गया, इधर माइनस टू हो गया, इधर क्या हो गया, माइनस थ्री हो गया, इधर मेरा क्या हो गया, माइनस फोर हो गया। ठीक है, तो इस साइड क्या, अब ये देखो इधर कोई भी वैल्यू लो, वन लो, टू लो, वन पॉइंट फाइव लो, थ्री पॉइंट फाइव लो, थ्री पॉइंट वन लो, थ्री पॉइंट कुछ वैल्यू लो, एनी वैल्यू चेक बाबू, कोई वैल्यू आप लो इधर, तो सभी का सभी वैल्यू क्या पॉजिटिव है। एक से इसी के इधर बाबू क्या होता है, सभी मेरा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ये पॉजिटिव का सिंबल है, प्लस भी है ना, पॉजिटिव का सिंबल है ना।
और जीरो के इधर इधर बाबू क्या निगेटिव है ना, तो इधर मेरा कौन सा वैल्यू आएगा बाबू, निगेटिव वैल्यू आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा, है ना। ये सब बेसिक कंसेप्ट है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ में, है ना। ठीक है, तब x की वैल्यू लेस देन जीरो का रहा, x की वैल्यू लेस देन जीरो, तो x की वैल्यू लेस देन जीरो किधर बाबू, इधर इधर जाएंगे तो जीरो से सब बड़ा है ना। अच्छा ये बताओ कौन बताएगी, कौन बताएगी, ये माइनस टू बाबू, माइनस टू और जीरो में कौन बड़ा है बताओ, तो इसका माइनस टू और जीरो में कौन बड़ा है सर? जीरो जीरो। हाँ आप बताइए अनिशा, माइनस फोर और माइनस थ्री में बीच वन इज द ग्रेटर? माइनस फोर। बाप मेरे बाबू, कैसे आप माइनस थ्री होगा बाबू, अनिशा बाबू मेरे माइनस, ये हम अनिशा को आज से नहीं बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से बोल रहे हैं बाबू, आप इसका क्या बोलता है, फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन का डिवीजन आज से नहीं, दो महीने से हो गया बाबू, आप इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। ये सब बेसिक बेसिक चीज है, माइनस फोर और माइनस थ्री में ग्रेटर कैन होगा बाबू, निगेटिव देखो फोर और थ्री है बाबू, तो बीच में नहीं जाएगा, जो बड़ा रहेगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, फोर थ्री में बाबू क्या होगा, चार मेरा ग्रेटर देन थ्री होगा, लेकिन निगेटिव में उल्टा हो जाता है, निगेटिव में क्या उल्टा हो जाता है बाबू, जो छोटा रहे ना वो बड़ा हो जाएगा, कहीं भी ये क्या माइनस साइन या माइनस, तो छोटा रहेगा ना बाबू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब बेसिक चीज है, ये सब थोड़ा कंप्लीट कीजिए, रिस्टार्ट ही आने से बाबू, है ना। तो जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा हम लोग क्या लेंगे, जीरो से छोटा मेरा क्या होगा, माइनस वन होगा, माइनस टू होगा, माइनस थ्री होगा, तो जीरो से छोटा यही वैल्यू होगा ना, ठीक है। तो मॉड एक्स की वैल्यू बाबू माइनस एक्स होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव मतलब क्या, निगेटिव का मतलब बाबू एक्स की वैल्यू जीरो से छोटा, निगेटिव का मतलब याद से एकदम उसको एकदम क्या करो, एकदम गेट वाई हट करो, पॉजिटिव मीन्स एक्स वैल्यू से बड़ा, निगेटिव मीन्स बाबू एक्स की वैल्यू जीरो से छोटा, जीरो से स्मॉल, है ना, ठीक है। तो ये बाबू क्या, इसका ये इस टाइप का समझो एक कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, ठीक है ना, ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग, मॉडुलस का दूसरा मीनिंग क्या होता है बाबू, इसको फिर बताते हैं, इसको डायग्राम को हम फिर से बताएंगे, है ना, ठीक है। एक और इसका मीनिंग होता है, मॉड एक्स का जो मीनिंग होता है बाबू, मॉड एक्स का जो मीनिंग होता है, ये तो ये मैथमेटिकल हो गया ना, मैथमेटिकल हो गया ना, इसको देखो हम कैसे डिफाइन करते हैं मॉड एक्स को, ठीक है बाबू, ठीक है। जो मॉड एक्स का जो मीनिंग होता है बाबू, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, ठीक है ना, मॉड एक्स का जो मीनिंग होता है बाबू मेरे, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरा क्या बताता है बाबू, डिस्टेंस बताता है, मॉड एक्स मेरा क्या बताता है बाबू, डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब तो समझते ना आप लोग, ये क्या बताता है बाबू, ये डिस्टेंस बताता है, ठीक है ना, किसी नंबर का, इट इज, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू, ठीक है, इट इज डिस्टेंस, ठीक है, कैसे लिखें बाबू, इट इज डिस्टेंस, ठीक है, इट इज डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर बाबू, इट इज डिस्टेंस ऑफ मॉड, क्या होता बाबू मीनिंग क्या होता है, मॉड एक्स का मीनिंग क्या होता है बाबू, ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, ये मेरा किसी नंबर का क्या होता है बाबू, डिस्टेंस होता है, तो इट इज डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर। नहीं समझ में आएगा आप एक बार पूछो, दो बार पूछो, आपस में डिस्कस करो, लेकिन अब थोड़ा सा अपना माइंड को ब्रॉड करो, बच्चे वाला माइंड मत रखो, ठीक है ना, कि हमेशा फोर्थ क्लास में पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे उसी उसी पे पढ़ो, ठीक है ना, थोड़ा सा ब्रॉड करो बाबू, तभी ना आगे हम लोग ग्रोथ कर पाएंगे। इट इज डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर, ठीक है ना बाबू, कहाँ से कहाँ से कहाँ से बाबू, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, इट इज डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर बाबू फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। ये क्या बताता है बाबू, किसी नंबर का ओरिजिन से क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है, ओरिजिन तो आपको पता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ठीक है बाबू। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, डाइट इज, डाइट इज, डाइट इज कहने का मतलब क्या हो बाबू, ठीक है ना, डाइट इज कहने का मतलब क्या हो बाबू, ठीक है ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डाइट इज कहने का मतलब क्या हो बाबू, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज किसके लिए आया, मॉड के लिए आया, मॉडुलस के लिए आया, है ना, मॉडुलस के लिए आया, इट इज क्या होगा बाबू, ऑलवेज पॉजिटिव। शिवांगी बाबू आ गई, नहीं आई, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब क्या सर, क्या सर, इसको अब देखो नंबर लाइन पे अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते, सक्षम बाबू वीडियो ऑन कीजिए, और ये से कौन है, अभिनव बाबू, अभिनव कहाँ चले गए, शिवानी बाबू आप लोग वीडियो ऑन रखो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं तो नहीं देख रहे हैं। अभी कौन चला गया, आप लोग इतना आते जाते क्यों रहते हो क्लास में, चलिए ठीक है। इट इज क्या होगा बाबू, मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता, पॉजिटिव होता, सब आ जाएगा समझ में, ठीक है ना, 10 मिनट इंतजार कीजिए आ जाएगा। तो अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये मेरा क्या होता है, नंबर लाइन होता है, ठीक है, नंबर लाइन कुछ नहीं होता, नंबर लाइन कुछ नहीं होता बाबू, आप एक्स एक्सिस बना लो, ये मेरा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है,
और इधर मेरा क्या होता है, बाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। ये मेरा क्या होता है बाबू, बाई एक्सिस होता है। तो नंबर लाइन में कुछ नहीं होता, आप बाई एक्सिस को क्या करो, इरेज कर दो। देखो ना कैसे बनता है। देखो बाबू यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिन ओरिजिन होगा ना, ये मेरा मान लो कि जीरो जीरो क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस। अब आप लोग के बुक में क्या करेगा, ये बाई एक्सिस नहीं दिया हुआ रहेगा, ये बाई एक्सिस बाबू नहीं दिया हुआ रहेगा। आप लोग बुक पढ़ोगे ना तो बाई एक्सिस नहीं दिया, इसी तरह से एक्स एक्सिस दिया रहा है। तो इसी को क्या कहता है, नंबर लाइन कहता है, ठीक है ना। ये भी हम नंबर सिस्टम में बताए हैं ना, नहीं बताए आप लोग सीखो। आपको बाबू हम क्या बोल रहे हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस होता है, इस पे 90 डिग्री बनाएंगे वो मेरा बाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। अगर आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है तो बाई एक्सिस को इरेज कर दो। हमने बाई एक्सिस को इरेज कर दिया तो जो आपका बच गया बाबू, यही आपका क्या हो गया, नंबर लाइन हो गया। तो देखो ये मेरा क्या बाई एक्सिस है, तो इधर मेरा बाबू ये जब बाई एक्सिस है तो इधर हम लोग क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं। यहाँ पे इतना दूरी पे मान लो टू है, यहाँ पे क्या बाबू थ्री है, इतना दूरी पे क्या बाबू फोर है, इतना दूरी पे क्या बाबू फाइव है, इतना दूरी पे क्या बाबू सिक्स है, और ये डिस्टेंस मेरा कितना है, सेवन है, ठीक है ना। इस तरह से ठीक है। उसी तरह बाबू इधर लेफ्ट में एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वैल्यू, इधर मेरा क्या आएगा माइनस वन आएगा, इधर मेरा क्या आएगा माइनस टू आएगा, इधर मेरा क्या आएगा माइनस थ्री आएगा, इधर मेरा क्या आएगा माइनस फोर आएगा, इधर मेरा क्या आएगा माइनस फाइव आएगा, इधर मेरा क्या आएगा माइनस सिक्स आएगा, इधर मेरा क्या आएगा माइनस सेवन आएगा, है ना। ठीक है, ये मेरा निगेटिव साइड हो गया। अब नंबर लाइन में कुछ ना होता, ठीक है ना। हम लोग बाई एक्सिस को क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, बाई एक्सिस को इरेज कर देते हैं। यहाँ से इसको इरेज कर दो ना, तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बना बाबू, जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचा, दैट इज कॉल्ड बाबू क्या, नंबर लाइन, है ना। कितना आसान है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस बाई एक्सिस में इरेज कर दो। तो यहाँ से कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा ना, इधर वन टू थ्री, इधर माइनस वन टू थ्री, तो ये मेरा क्या होगा जीरो होगा, है ना। ये मेरा क्या होगा जीरो से स्टार्ट करो, तो ये मेरा जीरो के इस साइड क्या हो गया बाबू, पॉजिटिव साइड हो गया। जीरो के इधर मेरा क्या हो गया, निगेटिव साइड हो गया, है ना। तो मॉडुलस हमेशा क्या देता बाबू, अब समझो मॉडुलस क्या देता बाबू, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर फ्रॉम ओरिजिन। तो यही ना ओरिजिन है, ठीक है ना। तो ओरिजिन से क्या देगा बाबू, दूरी देगा, डिस्टेंस देगा। डिस्टेंस मींस क्या बाबू, डिस्टेंस मींस क्या, यहाँ से यहाँ तक दूरी, है ना, दूरी। तो डिस्टेंस हमेशा कभी भी बाबू, ये बात हमेशा ध्यान रखना, छोटी छोटी है पर कंसेप्चुअल बातें। डिस्टेंस कांट बी निगेटिव, ठीक है ना। डिस्टेंस इट कैन बी बाबू, डिस्टेंस कैन बी नेवर निगेटिव, ठीक है ना। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। जैसे आप डिस्टेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि आप अपने घर से स्कूल गए, ठीक है ना। तो आप अपने घर से स्कूल के बाबू, तो आप जितना दूर चले वही आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस कभी भी बाबू, डिस्टेंस कभी भी बाबू, जैसे मैं आप मैंने अपने जैसे आपके छत से मान लो ना बाबू, आपके घर रूम से छत की दूरी मान लो 10 मीटर है, ठीक है। तो ये कभी माइनस 10 मीटर नहीं लिखेंगे। डिस्टेंस बाबू निगेटिव कभी नहीं होता, हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे आपके दादी घर और नानी घर की दूरी मान लो कि 10 किलोमीटर है, ठीक है ना, 10 किलोमीटर है। तो ये क्या बाबू, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसको माइनस 10 किलोमीटर हम लोग कभी ना लिखेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता बाबू मेरे। तो वही बताता है मॉडुलस मेरा, क्या बताता है बाबू, ओरिजिन से क्या बताएगा, दूरी बताएगा। और जो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब क्या बाबू, अगर इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें, समझिए एक एक बात को, जो बोलते हैं ना, शांति से सुनिए, है ना, उसके बाद देखिए पढ़ने में मजा आएगा। मतलब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कैसे समझेंगे बाबू मेरे, कैसे समझेंगे। थोड़ा सा हमको स्पेस बच रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहीं भी बाबू, अगर इस तरह से मोड 5 लिखा हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कैसे पढ़ेंगे बाबू, इसका मीनिंग क्या है। मोड 5 कहीं लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ये ओरिजिन से 5 की दूरी है, ठीक है ना, 5 यूनिट की दूरी है। मान लो यहाँ मीटर रहेगा तो मीटर लेंगे, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है ना। तो ये मोड 5 का मतलब क्या बाबू, ये मेरा क्या है ओरिजिन, है ना, ये मेरा ओरिजिन है बाबू। तो यहाँ से 5 यूनिट की दूरी, अब डिस्टेंस बाबू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से 5 यूनिट की दूरी यहीं तक होगा ना बाबू, यहीं तक होगा ना। तो ये बाबू क्या है, ये बाबू क्या हो गया, यहाँ से 5 यूनिट की दूरी हो गया। तो मोड 5 की वैल्यू क्या होगा बाबू, 5 होगा, ठीक है ना। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखो दूसरा एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल दूसरा। कहीं भी बाबू अगर इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है, माइनस मोड 5, ठीक है, ये क्या है बाबू, निगेटिव में मोड 5 है। तो इसका मतलब क्या, मोड के अंदर क्या होता है बाबू, हमेशा मोड का भी ना बताया, मोड के अंदर जो क्वांटिटी वो डिस्टेंस को बताता है। तो डिस्टेंस हमेशा कभी भी बाबू निगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता। तो माइनस अगर मोड 5 बाबू, तो इसकी भी वैल्यू कितना होगा, इसकी भी वैल्यू कितना होगा बाबू, 5 होगा, ठीक है ना। माइनस ये मोड 5 का वैल्यू 5 होता है, माइनस मोड 5 बाबू, तो इसका ये हमेशा मोड, हमेशा आप ऐसे याद रखो, मोड के अंदर आप कुछ भी नंबर है अगर वह निगेटिव होगा तो उसके बाहर जो निकलेगा बाबू वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव बन के निकलेगा। क्यों सर, इसलिए बाबू कि मोड मेरा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और डिस्टेंस कभी भी मेरा निगेटिव नहीं होता। यहाँ तक सभी को समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो और इसको आप लिखो, फिर आगे हम इसमें एग्जाम्पल देके और समझा रहे हैं, क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवा रहे हैं। लिखे जल्दी से, राइट डाउन बाबू, कौन कौन गायब है जी, सक्षम बाबू आ गया है,
सर, भारत तेरे। हाँ बाबू बोले नन्हे। वो लिखे क्या है तब से, अब सारा लिख लिया वही नीचे। अच्छा हचपोच हो गया, अच्छा हचपोच हो गया। ये नहीं, इसको ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये डेट इज है, एरो देके, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये नंबर लाइन अब कौन सी, रियल मोड एक्स लिखी है ना, ये रीड है बाबू। एक्स को हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे बाबू, मोड एक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आ, कैसे ठीक पढ़ेंगे है, उसके नीचे यहाँ पे एक्स इफ लिखी है ना। हाँ हाँ एक्स इफ एक्स और उसके बाद कौन सा साइन दिए है, ये ग्रेट अभी है। ये वाले वो साइन कौन सा दिए है एक्स और जीरो के बीच में। हाँ बाबू अभी ना आप लोग मन से सुनते नहीं ना बाबू, इसको अभी ना आपको बोले ये ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल है। अगर सिर्फ ये आप नहीं मन से पढ़ते हो ना, यही दिक्कत है। इस सिंबल को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेटर देन सिंबल कहेंगे, एक्स ग्रेटर देन जीरो। और इसी में एक लाइन और घिंच देते बाबू, स्टार्टिंग में ही तो बताए आप कहाँ थे, ध्यान इनका नहीं था। इसको एक लाइन और घिंच देंगे तो एक ग्रेटर देन इक्वल टू इसको पढ़ेंगे। इसको कहिए क्या सिंबल है बाबू, इस सिंबल का नाम क्या है बाबू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना। चलिए तो ये मेरा क्या है, लेस देन है, कौन कौन गायब। चलिए ऋषभ आ गया, अशिवांगी गायब हो गई ना, खाली हल्ला कर रही थी। ठीक है बाबू, गायब होगा तो आप लोग का कंपटीशन हल्का होगा अटेंडेंस का, है ना। शिवांगी है और कौन है, सतीश है, दो स्टूडेंट। सर सब 26 सतीश तो आ गया, सतीश तो आया हुआ, तो सिर्फ शिवांगी है और कौन है, जल्दी लिखे बाबू। अन्यसा कहाँ दिख रही है, मेरी कछुआ कहाँ है, अन्यसा नहीं है, ये कहाँ चली गई अन्यसा, सो गई क्या, आई तो थी। अच्छा दो को गायब है ना, एक शिवांगी एक अन्यसा। सर बोल रहे थे 7 बजे छुट्टी दे देने के लिए, नहीं सॉरी 8 में सिर्फ 8 में। अरे बाबू तो अभी 8 तो बजने दीजिए ना, पहले हमको इसको आज इसको कंसेप्ट को खत्म करने दीजिए ना, हमको जल्दी से लिखिए। रंजना बाबू समझ में आ रहा है क्या, रंजना। यस सर। वीडियो ठीक है आप, क्लियर है। यस सर। चलिए अच्छी बात है ना, तो सुंदर सा राइटिंग में लिखिए, ठीक है ना, एक जगह सही से लिखा हुआ रहेगा, फिर पढ़ाने में पढ़ने में दोनों में मजा आएगा। सुंदर सुंदर, कम से कम 2 मार्कर 2 कलर यूज कीजिए, एटलीस्ट कम से कम 2, बाकी 3 यूज कीजिएगा तो और बेटर होगा। सर अब 5 करते हैं। जल्दी बाबू जल्दी लिखे। अब इससे रिलेटेड हम मॉडल से रिलेटेड सारा क्वेश्चन करवा डालते हैं ना, ये सब समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, है ना। अब बेसिक बेसिक पहले क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा भारी भारी लेंगे, इतना मोड खत्म करेंगे मेरा। ये अब ये एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो जाएगा, का दो क्वेश्चन और बच रहा है का था। कल हम लोग पढ़ेंगे बाबू सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना के देखिएगा, जितना बनता है ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर उसका थ्योरी, उसमें कुछ ना पढ़ाना बाबू हमको, उसमें हमको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ खाली बोर्ड मार्क्स का कंसेप्ट देना है और थोड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चन बना देना, बता देना बस। सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा कंसेप्ट है ही नहीं, अलजेब्रा हमको सबसे लंबा टाइम लग गया ना, तो पढ़ाए भी ना आपका एक कॉपी पूरे हो गया। सतीश बाबू होमवर्क दे के देखिएगा। हाँ 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 होमवर्क दे देंगे बाबू। सतीश बाबू वीडियो ऑन कीजिए ना, सोए हुए हैं क्या सतीश। Yes, अभी तक सो रहे बाबू, कितने बजे नाइट में सोते हो। नहीं सर थोड़ा सा भी उठ रहा है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, उठिए उठिए उठिए, इससे बढ़िया कहीं क्लास मिलेगा बाबू, आप लोग सो के बैठ के जैसे इच्छा खाते हुए पीते हुए जैसे पढ़ सकते। चलिए अन्यथा नहीं ना है अभी रेज कर रहे हैं बाबू, ज्यादा टाइम ना देंगे, मेरा फिर यहीं रह जाएगा।
अन्यथा रहती तो थोड़ा सा काम उत्सव थोड़ा स्लो लिखती है। चलिए आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, बेसिक मोड से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ना। और ये जो बेसिक, इसको कहाँ लिखना है ध्यान से सुनिए, इसको मैथ के फेयर कॉपी में लिखना है, ठीक है ना, मैथ के फेयर कॉपी में लिखना। क्यों? क्योंकि बाबू ये कंसेप्ट है, इसको आपको भविष्य में कभी भी यूज पड़ सकता है, हमेशा यूज पड़ेगा ना, हमेशा यूज पड़ेगा, इसलिए मैथ के फेयर में लिखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। हमको आपको मैथ का फेयर में इतना जोर क्यों देते हैं, क्योंकि बाबू आप लोग कभी 9th-10th में जाओगे तो यही सब यूज पड़ेगा, ठीक है ना। अब बुक के सोल्यूशन वाला कॉपी में लिख लोगे तो उसमें ही रह जाएगा, तब मैथ के फेयर में लिखना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको भी फेयर में ही लिखना। सेकंड नंबर हुआ बाबू, थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है बाबू, कहीं भी बाबू जैसे क्या दिया हुआ, माइनस मोड 2 दिया हुआ, ठीक है। तो मोड के अंदर जो भी क्वांटिटी रहेगा, जो भी नंबर रहेगा, अगर वह निगेटिव है, हमेशा ध्यान, अब ये सब जितना भी पढ़ाए भूल जाओ, हमको कुछ नहीं आता, आपको भी नहीं आता, हमको भी नहीं आता। अब जो बात कहते हैं वो सुनो, कहीं भी बाबू मोड के अंदर कुछ भी वैल्यू बाबू अगर निगेटिव है, पॉजिटिव है तो उसका आउटपुट तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, उसका रिजल्ट पॉजिटिव। लेकिन अगर मोड के अंदर कोई निगेटिव ही नंबर है बाबू, निगेटिव नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट है वो उसका निगेटिव आपको हट जाएगा, ठीक है ना। मोड के अंदर बाबू कोई निगेटिव नंबर है तो आपस में निगेटिव क्या होगा, हट जाएगा। कैसे हटेगा, जो एक्स वाला फॉर्मूला बताया ना उसी से हटता है, ठीक है ना। तो उतना डेप हम लोग को पढ़ना नहीं है, है ना। तो मोड के अंदर जब भी निगेटिव रहेगा बाबू, वो क्या होगा, निगेटिव हट के क्या बन जाएगा, हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, फोर्थ नंबर, ठीक है ना। कहीं पे जैसे मोड माइनस 10 लिखा हुआ, बताओ शिवानी इसकी वैल्यू क्या होगा, मोड माइनस 10 की वैल्यू कितना होगा बताइए। 10, हाँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना, कहीं बाबू माइनस मोड 10 और माइनस 2 और प्लस 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे मॉडुलस में, ये बाबू क्या, इसको मोड ऑफ दिस पढ़ेंगे, दो वर्टिकल लाइन बाबू, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं, ठीक है ना। बताइए रंजना बाबू, बताने दीजिए, न्यू स्टूडेंट है उनको भी बताने दीजिए, इसको पहले बाबू अंदर में सिंपलीफाई कर लेना, उसके बाद मोड का कंसेप्ट लगाना, है ना। हाँ अच्छी बात है, कैसे करेंगे बाबू, पहले ठीक है इसको अंदर में क्या करना बाबू, पहले सोल्व करना है, तो माइनस 10 माइनस 2 कितना होगा, ठीक है ना। देखो अब आपको बोर्ड मास पढ़ाएंगे बाबू, बोर्ड मास पढ़ाएंगे तो आप थोड़ा सा हम लोग सही तरीके से सीखेंगे ना, गलत तरीका नहीं अपनाएंगे बाबू। जब आपको भी बोर्ड मास पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, वही होगा भी बाबू बोर्ड मास, है ना, बोर्ड मास। आप लोग नाम सुनेगा तो अच्छी बात है, नहीं सुनेगा तो बताएंगे। तो पहले मेरा क्या था बाबू, एडिशन परफॉर्म होता है ना, इधर से हम लोग परफॉर्म करते हैं, ब्रैकेट, ये क्या है, वेनिकुलम है, ठीक है ना, ये वेनिकुलम मतलब बार वाला था, ठीक है ना। ब्रैकेट है बाबू ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है। तो यहाँ पे बाबू हम लोग पहले कौन सा परफॉर्म करेंगे, एडिशन वाला परफॉर्म करेंगे, एडिशन का परफॉर्म करें, मतलब क्या, थ्री को इसमें ऐड करेंगे, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस 10 माइनस 2 रिजल्ट मेरा डिफर नहीं करेगा, लेकिन जो तरीका है बाबू वो सही तरीका सीखेंगे ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बाबू, माइनस 10 लिखेंगे, और इसको पहले एडिशन को परफॉर्म करो, पहले एडिशन आता ना, तो पहले एडिशन हम परफॉर्म करेंगे, आफ्टर देन बाबू बी परफॉर्म द सबट्रैक्शन, है ना। ओके सर बाबू, तो ये माइनस 2 और प्लस 3 कितना होगा, 1 होगा, तो 1 होगा बाबू, प्लस 1 होगा, है ना। अब बाबू यहाँ पे फिर आप परफॉर्म करो, तो माइनस 10 और प्लस 1, तो माइनस 10 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 9 होगा, तो ये माइनस 9 हो गया, ठीक है। तो मोड के अंदर कितना होगा, माइनस 9 हो गया, तो अभी आपको बताया मोड के अंदर जब भी निगेटिव रहेगा उसकी वैल्यू क्या देगा, मेरा पॉजिटिव देगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, 9 हो जाएगी, है ना, ठीक है सर। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है, आप थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जितना भी मोड से रिलेटेड, हमारा पढ़ाने का यही स्टाइल है बाबू, ठीक है ना, कि जितना जो कंसेप्ट है वहीं पे सारा बता डालिए, ठीक है ना। जैसे डिवीजन आपको बताएं, तो डिवीजन में जितना भी बुक है, 7, 8 का रहे, कहीं का भी बुक रहे, उठा के बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर कहिएगा, ठीक है ना। अब मोड बताएं, तो मोड बताएं तो इंस्टॉलमेंट में थोड़ी बताना बाबू, हाँ दो कंसेप्ट यहाँ बताएं, दो क्वेश्चन वहाँ बताएं, दो क्वेश्चन, वो इंस्टॉलमेंट वाला काम अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। एक बार पूरा बता दीजिए ताकि स्टूडेंट फिर कभी पढ़े तो उसको दिक्कत ना हो। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, 9 लिखेंगे, सिर्फ 9 लिखेंगे ना, मोड 39 होगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट 5 नंबर क्या है, ठीक है ना। अब फटाफट आप लोग सोल्व कीजिए, तो थोड़ा सा जल्दी से, कहीं भी बाबू ये कितना लिखा हुआ, 10 है माइनस मोड माइनस 5 है, अब जल्दी से सॉल्व कीजिए आप। सर 6 नंबर होगा। अच्छा ठीक है, 6 नंबर होगा सर। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, मिलता है तो हम जल्दी जल्दी करवा देते हैं, परफॉर्म कीजिए जल्दी जल्दी, कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू, आप लोग के बुक ही कहा है। सर मोड तो आज खत्म हो जाएगा, कंसेप्ट ऑफ मोड्स बट 15 क्वेश्चन, ठीक है बाबू, खत्म होगा, नहीं खत्म हो गया, ठीक है ना, पता है।
जल्दी से इसको परफॉर्म कीजिए बाबू, सोल्व कीजिए जल्दी से, नहीं बनेगा हम सोल्व करवा रहे हैं ना। माइनस 25 प्लस मोड ऑफ 10। माइनस 25 बाबू, जितना पॉसिबल केस है सब ले लेंगे, ठीक है।